संसद से निलंबित किए गए सांसदों के लोकसभा में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। मंगलवार को लोकसभा सचिवालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। इस सर्कुलर में सस्पेंड सांसदों को संसद कक्ष, लोबी और गैलरी में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाने की सूचना दी गई है। आपको बता दें कि 13 दिसंबर को संसद में सुरक्षा चूक के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। मध्य प्रदेश में भले ही शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद ना मिला हो, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए जो त्याग और समर्पण किया है, इसका फल उन्हें मिलने वाला है। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको संगठन में बड़ा पद मिलने की संभावना है। देश में फिर से मंडराने लगा कोरोना का आतंक, केरल कर्नाटक में हाई अलर्ट। आपको बता दें कि पिछले 1.5 साल से सब कुछ ठीक था, कोरोना भी काबू में था और आम जनजीवन भी पहले की तरह ही था, लेकिन अब एक खबर ने वापस चिंता बढ़ा दी है। सोमवार के बाद आज मंगलवार को भी ताजा मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 235 मामले सामने आए हैं। यूपी कैबिनेट ने अमिताभ कांत की कमेटी की पॉलिसी पर फैसला लिया है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया को आसान करने के लिए संशोधन किया गया है। बिल्डरों को 2 साल के जीरो पीरियड में सशर्त ब्याज माफी दी गई है। नोएडा अथॉरिटी एरिया के 56 ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट पर फैसले का असर पड़ेगा। इनमें 31,700 फ्लैट से जिनकी रजिस्ट्री, पजेशन और निर्माण का रास्ता साफ होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की कार मंगलवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई जब उनकी कार सड़क से उतरकर किनारे के एक सीवर में फंस गई। हालांकि इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। ये घटना उत्तर प्रदेश सीमा पर पुंछरी का लोठा के पास उस वक्त हुई जब शर्मा तीर्थ यात्रा के लिए गोवर्धन गिरिराज जा रहे थे।